के कुछ 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 रूठे कुछ मनाए। देखो मैं मेरे को ना सही बताऊं भैया, मुझे लोगों की ना बिल्कुल भी सच में मेरे मेरे को सच दिल से बता रही हूँ कि मुझे लोगों की कुछ समझ नहीं आती कि आखिर लोग हैं क्या, क्या कहना चाहते हैं, मतलब उनका क्या सोच है। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि सच में दिल से बच्चों की तरफ कौन है, सीमा की तरफ कौन है, कुछ 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 भी इस बात का किसी का समझ नहीं आया भाई। चलो माफी की बात तो अलग रही, वो कौन सा प्रधानमंत्री है, 2 कोड़ी की महिला अगर माफी मांग भी लेती है, अगर माफी के लिए किसी को बोल, उसकी औकात क्या है, क्या है वो, उसको कौन कोई क्या समझता है, क्या है वो, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, 2 कोड़ी की महिला नहीं है, एक बार छोड़ के 50 बार किसी से माफी मांगे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोपोगंडा चल रहा है कि किसी को कहकर गालियां दिलवाई जा रही, जिन जिन गटर छाप जिन गंदे कीड़ों की औकात नहीं थी कि एक भाषा भी बोलने की, आज वो हमें गालियां दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि तुम दो मुझे और गालियां दो, वो महिला दिलवा रही है, मैं तो कह रही है तुम और गालियां दिलवाओ भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जितनी दिलवा सकते हो दिलवाओ, तुम मेरे कर्मों का, मेरे हो सकता है कि मैं कोई भगवान तो हूं नहीं, कभी मेरे से अनजाने अनजाने में बहुत पाप होते हैं, हम चलते हैं हमारे पैर के नीचे कोई कीड़ा मकोड़ा आ जाता है, या हम किसी को गुस्से में गाली दे बैठते हैं कुछ भी, तो भाई हमारे तो कर्मों का तुम वो कर रहे हो ना, करो दो और गालियां दिलवाओ तुम, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब लोग क्या चाह रहे हैं कि हमने गाली दी, आस्था माँ अपने चैनल से गाली दे, फिर हम चमके, मतलब अगर तुम्हें मेरे से इतनी नफरत है तो फिर अपने चैनलों पे मेरा नाम का जाप क्यों करते हो, मेरे नाम का पहाड़ा क्यों पढ़ते हो, तुम्हें मेरा ही नाम क्यों सबको नजर आता है, आस्था माँ पास्ता, आस्था पास्ता, आस्था एक ही बात चलती है, क्योंकि तुम फेमस होना चाहते हो, और हम तुम्हें फेमस ऐसे नहीं करेंगे, हम तुम्हें ऐसे फेमस नहीं करेंगे कभी भी जिंदगी में कि तुम हमारा नाम ले लेकर तुम आगे बढ़ो। भाई तुम गाली दो जितनी मर्जी दो, हम तुम्हें जवाब ही नहीं देंगे, हमने उस दिन भी बोला था कि मेरे लिए कोई गाली मत दे, आज जो गाली देगा वो गाली खाएगा, अब भैया तुम किसी को उंगली करोगे पिन करोगे तो वो आगे से तुम्हें बोलेगा बोलेगा, तुम पिन ही मत करो ना, हम किसी को कुछ कह ही नहीं रहे, उसके बावजूद भी हमें पड़ रही है, हाँ हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तुम निकालो जितनी तुम्हारी औकात है तुम निकाल सकते हो निकालो, फिर जिस दिन हमने कुछ करना होगा हम उसी दिन कुछ करेंगे, हम तो तुम्हारी सारी चीजें नोटिस कर रहे हैं, तुम बोलो तुम किसी से गालियां दिलवाओ, है ना, हमने अरशद से एक बार बोला, उस बच्चे ने तुरंत थंबनेल हटा दिए, मतलब अगर किसी ने थंबनेल लगाए, अगर किसी पाकिस्तान वाले ने गाली दी, अगर किसी हिंदुस्तान वाले ने गाली दी, अगर किसी ने कुछ गलत बोला, वो तो करवाया सारा काम आस्था माँ ने, है ना, वो सारा काम आस्था माँ करवाती है, थंबनेल लगवाना गालियां दिलवाना, वो आस्था माँ को इन्होंने सर्टिफिकेट दे रखा है, और ये गाली दे, ये किसी से गाली निकलवाए, ये गंदी गंदी बातें बोले, चैनलों पे बैठ बैठ कर अपने आप को सती सवित्री बताएं, पवित्र बताएं, तो वो ये नहीं करवाती, ये महिलाएं या पुरुष ये गाली नहीं दिलवाते, मतलब जो विपक्षी दे वो आस्था माँ करवाती है, और ये दूध के दूल्हे कुछ नहीं करवाते, ये सारी पवित्र आत्माएं हमारे भारत में प्रवेश कर गई हैं, और भारत की पवित्र आत्माएं किसी को कुछ नहीं कहती, तो हम कहते हैं तुमसे जो बन पाता है जितनी गाली बन पाती है तुम दो भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और कोई बात नहीं, हम देखो हमारा, हम तो ना, हमें लोगों ने, आप लोगों को पता होगा कि आज से कोई 4-6 महीने पहले मेरी आंखों में पानी भी आया था सीमा को लेकर, लाइव में ही मैं रो पड़ी थी बच्चों को लेकर कि सीमा मेरे हाथ जुड़ा ले बेटा, मैं सबसे लड़ जाऊंगी, मैं सबसे गालियां खा लूंगी, कोई फर्क नहीं, ये सोशल मीडिया कौन किसी को जानता है, लोग मेरे गुरु का नाम पूछ रहे थे, कोई सही मेरे को पता लगा कल कि आस्था माँ का गुरु, अरे मेरे गुरु का नाम सुनते ही ना लोगों की पैंट में सुसु निकल जाता है, हिम्मत है तो मेरे गुरु के बगल में झांक कर दिखा दो, तुम्हारी सबकी ऐसी तैसी करने वाला मेरा गुरु है, मेरे नाम मैंने गुरु का बता दिया है कि अरे भाई तुम गुरु की, गुरु तो छोड़ो जो मेरे शिष्य हैं उनके बगल में खड़े होकर दिखा दो, तुम्हारी वहां औकात नहीं, सिर्फ ये पैनल के कीड़े हैं पैनल पे भौंकते हैं, मेरा तो नंबर दुनिया भर के पास है ना, जिसमें औकात है मुझसे बात करे, जिसमें दम है तुम गालियां क्यों दिलवा रहे हो मुझे, गालियां क्यों दे रहे हो मुझे, अरे मुझसे बात करो ना, तुम में हिम्मत है तो, ना 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 ये बात नहीं करेंगे, ये अपने सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे आस्था माँ पास्था माँ कर करके कर करके कर करके, हमने सीमा के लिए जब आंखों में पानी आया था बच्चों के लिए कि सीमा ये देख बेटा, है
है ना। तू अगर मुझे माँ कहती है तो तू अपने बच्चों को, मैं कहीं भी, मुझे पता था कि मोमिन मलिक एक ऐसे इंसान है, मोमिन मलिक, मोमिन मोम जैसा होता है ना इंसान, कि उसको कह दो तो वो दया खाता है। वो मोमिन मलिक वो इंसान है, क्योंकि जब वो लाइव आकर जब जो इंसान बोलता है ना, तो मैं भी चेहरे से भाप लेती हूँ कि ये इंसान कितना हरामी है और कितना अच्छा इंसान है। इतनी तो समझ आ गई है, मतलब ठीक बोले थे, हमें कुछ नहीं पता था, पर इतनी इस केस में आकर समझ आ गई कि कोई किस तरह का, मतलब घटिया भी इंसान है यहाँ पर, किस तरह का नीच इंसान है, किस तरह का कैसा इंसान है ना। तो हमने, हमारी आंखों में पानी आया, तो हो एक महिला ने, ओ हो भाई साहब, कौन किस किस को फोन करके नहीं कहा कि देखा, हम तो पहले कहते थे ये दल बदलू है, ये बदल गई, ये बिक गई, सीमा ने इसको खरीद लिया। मुझे तुरंत तुरंत सर्टिफिकेट दे दिए गए थे, तुरंत सर्टिफिकेट बांटने शुरू हो गई थी महिला के, देखा बिक गई बिक गई। हमने हमने उनके सामने कॉन्फ्रेंस में भी रोए कि हम बिके नहीं है, हमारे अंदर जो एक है ना, एक परमात्मा ने दिल ऐसा दिया हुआ है कि मेरे कोई 10 चांटे भी लगा लेगा ना, तो उसको किसी दिन मैं दर्द में देखूंगी, तो मैं इतनी पागल महिला हूँ उसका दर्द बांटने निकल जाऊंगी, कि कोई बात नहीं, हो गया जो होना था, मतलब तू दर्द में नहीं रहना चाहिए, मेरे अंदर परमात्मा का वो दिया हुआ दिल है, और मैं शुक्र मनाती हूँ कि तुम लोगों जैसा गंदा दिल नहीं है मेरे अंदर। मेरे अंदर परमात्मा की इतनी शक्ति है कि वो मुझे हर हर उस काम के लिए करने के लिए कहता है कि चाहे तेरा दुश्मन भी हो, अगर वो मुसीबत में है तो उसका भला कर। वो अपने आप में शर्मिंदा होगा कि मैंने क्या किया और ये महिला मेरे साथ क्या कर रही है। हमें, हमने रो कर कहा उस दिन, हम बड़ा रोए थे भाई साहब, बड़ा ही रोए थे कि बताओ, हमने बच्चों का भला चाहा तो हमें ये सर्टिफिकेट मिला, हमें ये बोला गया देखा बदल गई, हमें 10 लोगों ने फोन किया, आज हम आपके लिए ये बोला जा रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे अपने महादेव पर बहुत विश्वास है, मुझे अपने ठाकुर जी पर बहुत विश्वास है, और आज देख लो हमारे ठाकुर जी ने पलटा कैसे मारा, हमारे महादेव ने कैसे पलटा मारा, आज खुद ही उसकी बदनामी हो रही, हमारी नहीं हो रही। हम खड़े हैं तो खड़े हैं, बिल्कुल हम नहीं बदलेंगे। हमें तो अब लोग कह रहे हैं कि ये महिला सिर्फ मतलब हम सबके पेट जांचने आई थी, एक दो महिलाएं हैं जो शुरू से ही सीमा के साथ थी, वो सिर्फ ये हम लोगों को, मतलब सीमा की सपोर्ट, सीमा को गलत बोलकर वो हमसे मतलब पेट लेने आई थी हमारा, कि सीमा के लिए क्या चल रहा है, मोमिन मलिक का अंदर की बात क्या है। तो भाई ये तो भगवान जाने, या वो महिलाएं जाने, या हमारे ठाकुर जी जाने, जिन्होंने हम पर उंगली उठाई थी ना, जिन्होंने हमारे लिए गंदा बोला था। अरे भाई अभी तो 1-2 महीने ही हुए हैं, आप देख लो, मुझे अपने परमात्मा पर अटूट विश्वास है, जिस जिसने बोला उस उसने भुगता। ठीक, तुम क्या सही लोग बोल रहे हैं, अरे आस्था माँ को तो 7-8 महीने हुए हैं, अरे तुम लोगों से पहले की मैं आई हुई हूँ, अगर तुम्हें नहीं याद हो, तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई हो, पैनलों पर बोल बोल के है ना, सफाइयां दे दे के अपने बारे में अच्छा बोल बोल के, तो तुम याद करो सबसे पहले रघुपुरा कौन गया था, आस्था माँ। आस्था आस्था माँ ने चैनल नहीं बनाया था, पर आस्था माँ के घर में भीड़ लगी रहती थी मीडिया वालों की, के सीमा के लिए माता जी बयान दीजिए। वो उठाकर देख लो पूरा यूट्यूब भरा पड़ा सीमा को गालियां देता हुआ। तो चैनल हमने तो बहुत बड़ी मैं तो आज भी अपने मुंह से बोलती हूँ कि मैंने चैनल बना के बहुत बड़ी गलती की, कि मुझे नहीं पता था इस तरह के गंदे घटिया मानसिकता के लोग मिलेंगे, जो मुंह पर कुछ पीठ के पीछे कुछ। हमें ये नहीं पता था कि ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं, कि जो कुछ के कुछ हैदर कहते हैं का और सबसे होते पहले कुछ। इंटरव्यू आपने लिया था, कोई बात नहीं, हैदर एक का मिनट सबसे भैया, पहले इंटरव्यू आपने लिया था। हाँ हैदर, हैदर का भी, हैदर का भी कहाँ गया। हाँ भैया आ जाओ, काट दो फोन। नहीं हाँ नहीं इंडिया के हैदर लोगों ने, हैदर, हैदराबाद को पहली बार आस्था माँ के थ्रू देखा था। हाँ जी हैदर, हाँ हैदर बेचारे को मैंने कहा तू टेंशन मत ले हैदर भाई, मैं तेरी सपोर्ट करूंगी। तो हैदर को भी हमने कहा था कि चल भाई आ, तू बोल जो बोलना चाहता है बोल, अपनी बात रख। है हम तो आज के थोड़ा बने हुए हैं, आज के हम तो पहले दिन से विरोध कर रहे बिल्कुल हैं, और तुम बता रहे हो अरे हम ये लोग तो बहुत पुराने हैं, ये तो नई नई आई है अभी 7-8।
मैं कह रही तुम ये कहो कि मुझे अभी आए हुए जुमा जुमा 4 दिन हुए, चलो और बताओ, तुम अपनी बात बड़ी रखो भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपनी बात बड़ी रखो कि मैं तो अभी कल ही आई हूँ चैनल पे, मुझे तो चैनल के बारे में पता ही नहीं था कुछ बात। मतलब ये जितने लोग बोलते हैं ना कि पाकिस्तान के चैनल पर जा रहे, ये लोग खुद पहले पाकिस्तान के चैनल पे ही आते थे, ये वही लोग हैं जो स्टार्टिंग पाकिस्तान के चैनल से की थी, पियास भाई और सुजात भाई की चैनल चलती थी और शाहिद भाई तो कभी कभार चलाते थे जी। वही सब है ऐसा फसाद की जो है ना जड़, वो चचा था जिसने सबसे पहले ये सारा प्रोपेगेंडा क्रिएट किया है। अरे भैया बहुत लोग हैं, चाचा को छोड़ो, यहाँ चाचियां भी बहुत हैं, यहाँ चाचियां भी हैं, चाचा नहीं यहाँ पर चाचियां भी छुपा रिश्ता निकली हैं। पता नहीं था कि आस्तीन के सांप हमारे बगल में ही बैठे हैं, पर चलो भला हो, मैं तो फिर भी कहती हूँ भला हो भाई तुम्हारा, तुम्हें भगवान इतनी शक्ति देना कि तुम जैसे बदले बदले, हमें कोई लोगों को लग रहा है कि अरे आस्थामा को तकलीफ होगी, मुझे मुझे क्यों तकलीफ होगी, मैं दल बदलू थोड़ना हूँ, मैंने अपना जो लक्ष्य था वो छोड़ा थोड़ना है, मैं कोई बिकी थोड़ना हूँ, ना मैं बिकी हूँ ना मैं कभी बिकू, और आस्था माँ को खरीदने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ, कोई पैदा नहीं हुआ जिंदगी में, कोई पैदा नहीं हुआ कि आस्था माँ को खरीद दे, मैं कोई घटिया मानसिकता की महिला थोड़ना हूँ जो मैं किसी के हाथों से बिक जाऊंगी कि लो भैया तुमने कहा तुमने कुछ हमारे लिए किया तो हम बदल गए, जो पहले दिन से चल रहा आस्था बिकती नहीं है लेकिन आस्था पिघल जाती है। हाँ बस ये है पिघल जाती है, प्यार से बिकने वाले लोग हैं, प्यार से हमें खरीदा जा सकता है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, भला हो भैया इनका भी भला हो, मैं तो कहती हूँ इनका भी भला पूछ रहे हैं। अच्छा मैं आस्था एक सवाल करूँ छोटा सा जी भैया, आप जब रघुपुरा गई थी तो वहां का थोड़ा सा मंजर बताएंगे कि वहां पर आपने क्या क्या देखा, जो वो ये जैसे बोलती है कि वहाँ सिक्योरिटी रहती है ये है वो है, तो वो चीज आपको वहां पर नजर आई थी जब आप वहां पर गई थी? देखिए भैया वहां पर तो मैं जब गई थी तो मुझे तो सारे रघुपुरा के लोग मिले थे, है ना, जो कि जिनको लगा अगर वहां पर देखे, जितनी भी वहां पर मीडिया थी और सारी मीडिया जो थी, मतलब जी न्यूज वाले आज तक रिपब्लिक वाले, उनके बारे में मुझे नहीं पता था कि वो भी आए हैं, पर जो मीडिया दूसरी थी ना जितनी भी जो मेरे मुंह के आगे माइक कर रहे थे, वो सारी मीडिया मेरी अपनी थी, जो कि वो भाई मेरे घर पे आते हैं, है ना, जो बाइक लेने मेरे घर पे आते हैं, वो सारी मीडिया मेरी थी। और वहां पर रघुपुरा के एक शायद मुझे शक्ल से लग रहा है कि हो सकता है कि, पर नहीं भी हो सकता, जब मैंने लाइव में एक दिन बबीता के हस्बैंड को देखा तो मुझे वो ही लग रहा था, पता नहीं कौन था, अब ये भगवान जाने, तो एक बंदे ने मेरे मेरे को ये कहा गया कि मैं पाकिस्तान से भेजी गई हूँ 17 लाख रुपए में, मुझे पाकिस्तान वालों ने भेजा भगवा पहनाकर, है ना, और क्या उसका नाम है, एक बंदे ने ईंट उठा ली थी मेरी गाड़ी पर मारने के लिए, जो वर्तमान भारत वाला मेरा बच्चा है हिमाचल, उसने कहा था, उसने कहा अगर गाड़ी पे ईंट लग गई ना तो ये याद रखना शाम को बलडोजर चल जाएगा तुम्हारे घर पर और तुम्हारी नानी याद आ जाएगी अगर आस्थामा की गाड़ी पर ईंट लग गई, तो उसने ईंट नीचे फेंक दी, तो वो लोग मतलब मेरे विरोध में ही थे, सारे मेरे विरोध में, बच्चे से लेकर बूढ़ा तक, के अरे हमारी बहू है हमारी भौजी है यही रहेगी कहीं नहीं जाएगी तुम कौन होती हो, ये मंजर था वहां पर, पुलिस वगैरह कोई भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, ये सब मेरे तो जाने के बाद पुलिस का सारा कुछ हुआ है। अच्छा तो मकसद ये कि ये इतनी कोई मतलब लोगों को इमोशनली इसने जो है ब्लैकमेल करके रखा है कि लोग इसके लिए पागल हुए हैं, वो हकीकत जानना ही नहीं चाहते ऐसा लग रहा है। नहीं अब जान गए, अब जान गए रघुपुरा के लोग जान गए, अब जो जो लोग इसके विरोध में हैं और उन लोगों का इसने क्या किया, अब ये चलाक तो बहुत है, बहुत चलाक है ये, अब इसने क्या किया, अरे मम्मी, हर कोई तो इसकी मम्मी बन गई रघुपुरा में जो इनकी गली की है, 2, 4, 5, 10 महिलाओं के इसने चैनल चलवा दिए हैं, ठीक है, कमाई होगी कमाई होगी, बाकी मैं आपको बता दूं कि इसका चाल चलन इसके लक्षण ठीक नहीं है, जो इसके घर के अब मैं बताऊंगी नहीं, फिर ये उनके बैर पड़ जाएगी,
ये अपनी गली में बहुत बुरी तरह से लड़ चुकी है जो मुझे बताया गया है, है ना। इसने लड़ाई की और उनको बोली कि तुम्हें एक मिनट में उठवा दूंगी, मैं तो छींक भी मारती हूँ ना तो मेरी छींक वायरल हो जाती है, तो तुम क्या चीज हो। ये महिला है और सभी गली वाले इससे पूरे परेशान है, और जिस दिन ये जाएगी ना जेल, पूरी गली आपको पूरी गली मीडिया के सामने बोलती नजर आएगी, देखना। तो अभी मतलब कोई ऐसी पावरफुल शख्सियत जिसके पीछे है कि जिसकी वजह से गली वाले इसको ना चाहते हुए भी बर्दाश्त कर रहे हैं। भैया गली वाले क्या कर सकते हैं, मैं पहले दिन से एक ही बात बोलती आ रही हूँ, एक बात बताऊ, अब मेरी गली में सारे मजदूर हैं, समझ लो बेचारे दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, है ना, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, वो खड़ा तीर क्यों ले, क्यों पंगा ले, उनको क्या मतलब है, वो अपने घर में आते हैं कुंडा लगाते हैं अंदर बैठ जाते हैं। अब गंदी औरत के मुंह क्यों लगे। मजदूर पे मुझे एक सवाल है, मेरा छोटा सा सवाल है, वहाँ पे ऐसे समझो मजदूर तबके के लोग रहते हैं, इसने जो है ना बड़े बड़े ख्वाब उनको दिखाए होंगे, उनको बड़े बड़े सुहाने ख्वाब, भाई आप चैनल चलाओगे ये होगा वो होगा, ऐसा है ना उन लोगों का ब्रेन वॉश किया होगा। भैया मैं आपको बता रही हूँ, हर तरह का, हर मोहल्ले में हर तरह का ऑटो वाला भी रहता है, तो मेरी रिक्शा वाला भी रहता है, है ना, तो हर बंदे को लालच होता है के चार पैसे मेरे पास आए, पर जो खुद गर्ज लोग है ना वो अपना जैसे पहले कमा रहे थे आज भी वैसे कमाकर अपना गुजारा कर रहे हैं। ये तो दो चार महिलाएं हैं, जैसे बबीता है, उसको लगा कि चलो हम ये नहीं कहते अच्छी बात है, कमाई कर रही है बबीता, कमाए पर बबीता ने भी अब इसके पास जाना बंद कर दिया जिस दिन से उसके इसका वो ब्लाउज वाला सीन हुआ था। बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल यही बात है। अच्छा आसमा आप एक बात बताइएगा कि आपको क्या लगता है ये, क्योंकि लोग हमारी लाइफ में आते तो वो कहते हैं कि यार आसमा वो बबीता जो है वो सीमा के बच्चे पाल रही है इसलिए उसका कोई कसूर नहीं है, तो आपके क्या ख्याल है इस हवाले से। बिल्कुल सही बात है, कोई गलत बात नहीं इसमें, और बबीता के तकरीबन बबीता के पास ही दो तीन तीन बच्चे तो रहते ही रहते, बबीता खिलाती है, अखराजात और खाना पीना जो है उस बबीता अपने अपनी जेब खर्च से करती है, अपनी जेब से पे करती है सारी चीजें, सीमा नहीं देती पैसे। तो एक बात ये तो लोगों को समझना चाहिए ना। जी जी नहीं नहीं एक बात बताओ मुझे, चलो मैं कहती हूँ कुछ सीमा भी देती है, मैं मान लेती हूँ, जब आपका चैनल है, आपका चैनल मेरे बैठने से या मेरे बोलने से आपको लाख रुपए महीना, 50,000 रुपए महीना, 20,000 रुपए महीना बन रहा है, तो उसमें से हजार 500 का 1500 का आप खिला भी दोगे तो कौन सी आफत आ गई, आपका चैनल भी तो चमक रहा है मेरी वजह से, है ना। तो ये जो महिला है ना, ये महिला मरी हुई जू ना किसी को दे, मरी हुई जू। आपने देखा था कि अभी इसने पीछे अपने बच्चों के लिए वो पिस्तौले सी मंगाई थी बड़ी बड़ी चार, अगर ये अंजलि जो 32-64 दांत निकाल के हंसती है, अगर ये उसको अपनी बहन मानती या जिठानी मानती या उससे प्यार करती तो भैया कौन सी बड़ी बात थी, एक पिस्तौल और आ जाती उसकी राधिका बेटी के लिए, या कौन सी बड़ी बात थी। जहां हमने 400 रुपए लगाया वहां हम 500 रुपए लगा देते, है ना, अगर अगर मन में होता तो। इसने सिर्फ अपने चार बच्चों को पिस्तौल दी और वो बच्चा बेचारा वहां खड़ा देख रहा था, मैंने वीडियो में ये चीजें देखी, मुझे किसी ने बताया नहीं है, और जब वो हाथ लगा रही थी तो मुन्नी कह रही थी मम्मी मम्मी ये देखो, वो कह रही थी मत कर, पकड़ ले अंजलि भाभी, पकड़ ले इसको। तो भाई अंजलि भाभी सारा दिन तेरे गंद धोती है, सारा दिन तेरा गंद करती है, है ना, तो अगर तू उसके बच्चों को दे भी देगी, अब सबकी मजबूरी है भैया, अंजलि की भी मजबूरी है, जो अंजलि की मजबूरी ये है कि चार पैसे मिल रहे हैं, है ना, खाना मिल रहा है, अब उसकी मम्मी की मजबूरी ये है सास की कि अलग रहते हैं फिर भी वो आकर क्या उसका नाम है यहाँ पर आती है इसके साथ लाइव, क्योंकि उसका भी चैनल चल रहा है,
है ना, उसके लिए भी बोला जाता है। तो इसलिए उसकी सास वो तो दूसरी मजबूर में नहीं आती है, वो आश्रमा जी हमें ये भी सुना है कि ये जो अंजलि जी हैं या सीमा जो है वो अपने जो उनके जो पुराने ताल्लुक वाले जो थे पाकिस्तान में उनसे भी इनकी बात हो रही है, अंजलि की बात करवा रही है, इस पे आप कैसे रोशनी डालोगे? रोशनी क्या डालोगे, एक आ गई एक चली जाएगी, यही होगा क्या होगा। रास्ता सीमा बताई देगी, जैसे सीमा आई है उनके थ्रू बात कर रही है, जैसे वो सीमा आई है, जैसे सीमा आई है रास्ता बता देगी वैसे अंजलि चली जाएगी। वो तो बात छोड़ो भैया, चलो वो तो मजाक की बात रही। हाँ बेड़ा गर्क तो देखो, जो महिला एक मर्यादा में रहती थी, जो महिला एक घूंघट में रहती थी, आप इसकी पिछली वीडियो देखो, मतलब ये घूंघट में ही आपको वीडियो में दिखती थी, आज उसका घूंघट उठ गया, किसकी बदौलत? सीमा की बदौलत। क्यों उठ गया? क्योंकि जो एक नेत्रपाल ऐसा आदमी है जो आज भी मेहनत करता है, ये उसकी, देखो चाहे मेरा कोई कितना कोई दुश्मन हो चाहे कुछ भी हो, मैं गलत बात नहीं बोलूंगी कि नेत्रपाल आज भी पौधे लेकर सुबह निकलता है, नेत्रपाल आज भी मेहनत करता है, और ये लोग क्या है, ये आराम से घर पे बैठे हैं मर्द, ये सिर्फ पर्ची काटते हैं और अपना कहते हैं हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, गिफ्ट आ जाते हैं घर पे, पैसा आ जाता है घर पे, तो अंजलि बच्चों के लिए इसके लिए खाना खुना हेल्प करती बनाकर देती है, तो उनका पेट भी ये पाल रहे हैं, राशन में उनको भी राशन खिला रहे हैं, वो खाते क्या, दो तो जाने हैं और ये छह जाने हैं, तो जहाँ छह खा रहे हैं तो जब छह बंदों का काम हो रहा है, बर्तन साफ हो रहे हैं, रोटी बन रही है, तो दो की और बन जाएगी, उसका घूंघट तो उतर ही गया है, शर्म तो उसी उतर ही गई है, अब जिससे साथ वो मर्जी बात करे या ये करवाए या वो अपने आप करे, तो भैया जिसकी भागेगी वो अपने आप देखता फिरेगा, अब हैदर की भागी, हैदर देख रहा है रो रहा है, अब इसकी भागेगी तो इसका पति देखता फिरेगा, चलने दो, ये किया हुआ समय का चक्र है भाई, ये समय का चक्र घूमता है, तुमने जो बोया है काटोगे वो ही, ठीक है ना, अगर तुमने आम का पेड़ लगाया तो वहां पपीता नहीं वहां आम ही उगेगा, ठीक है, तो इन लोगों का ये है कि इनको अगर कोई ये सोचे कि सीमा को जेल नहीं होगी, फालतू में टाइम वेस्ट, अरे भैया तो तुम मत बोलो ना चैनल पे आके, जिसको लग रहा है टाइम वेस्ट, तुम अपने चैनल बंद करो और घर में आराम करो, रेस्ट मारो, तुम 15 महीने से क्यों भौंक रहे हो, मस्त रहो, फिर हमें लग रहा है कि वो जेल जाएगी तो हम बोल रहे हैं और बोलते रहेंगे, हमें पूरा विश्वास है मोमिन मलिक पर, हमें हमें मतलब अटूट अटूट विश्वास वन पर कि हाँ भाई, मैं कहती हूँ हैदर के केस में करें ना करें, वो अपने केस में जेल करवाएंगे, जो उनके साथ बदतमीजियां हुई हैं, जो उनके साथ बदतमीजियां की हैं, तो आज ये माफी मांगे किसी से, हमें कोई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रधानमंत्री ने माफी मांग ली, थू छी आज ये मांग रही है माफी 4 महीने के बाद, आपको ये नहीं लगता है कि ये ढोंग कर रही है, ये इमोशन कार्ड खेलना चाह रही है दोबारा भैया आधे से, अरे भाई मेरे यहाँ आधे से ज्यादा ढोंगी लोग हैं, मैं किसी के बारे में कोई बयानबाजी करना नहीं चाहती, मैं तो बस मैं इस बात के खुश हूँ कि मेरे बाबा जो है ना वो क्रिया की प्रतिक्रिया अपने आप देते हैं, मैं उस टाइम जो रोई थी ना दिल से रोई थी कि मतलब मैं विकी नहीं हूँ, मैं सीमा की तरफ नहीं हुई हूँ, मैं बच्चों को देखकर, मुझे बेटियों को देखकर, अगर इसके 4 बेटे होते तो मैं इसको जूता ना मारती, मैं सिर्फ बेटियों को देखकर रोई थी कि नहीं ये बेटियां मिस यूज हो जाएगा इनका, इनके साथ बुरा नहीं होना चाहिए, तो हमें कहा गया था बिक गई, हमने लोगों को फोन कर करके देखा, मुझे तुरंत सर्टिफिकेट दे दिया गया था दल बदलू का बिकने का, और आज परमात्मा ने वो सर्टिफिकेट उन लोगों को खुद ही दे दिया, ये किया हुआ तुम्हारे आगे आता है भाई, आता है हर हालत में आता है ना, भरना तो तुम्हें पड़ता ही है, कोई भी हो किसी भी धर्म का हो, आज या कल या इसने जो वीडियो बनाई इसका मकसद क्या हो सकता है आपको पता है? वही बलोच भाई वही बात हो गई, वो अभी उसका जवाब वो दे चुके हैं, अगर आप समझे तो इनडायरेक्ट मैंने दे दिया, वो सारा का सारा सिर्फ ढोंग है, ठीक है वही सेम क्वेश्चन हम घुमा फिरा के कर रहे हैं। मैं एक बात बताओ, अच्छा सीमा की कोई, सुनो भैया सीमा की कोई मैं प्रेज कर दूं, है ना, सीमा की मैंने जैसे बच्चों के लिए बोला, सीमा ने तो मेरा बहुत आदर सम्मान से नाम लिया,
आस्था माजी आस्था माजी करके उसने आज तक उसकी पीठ सुनती है। देखो जो उसकी अच्छाई है मैं कहूंगी, मैं हमेशा उसको गालियां देती हूँ, उसके लिए गंदा बोलती हूँ, फिर भी उसने मुझे जब भी मेरा नाम लिया आस्था माजी करके बोला, तमीज से बोला, है ना। जो महिलाएं आज खुश हो रही है इनको तो रंडी पूंछ कटी कुतिया पता नहीं कितना भैंचो, कितना गंदा गंदा कितना गंदा गंदा बोला था। शुरू में इन्होंने भी आपको कुछ कुछ ना कुछ बोला था, लेकिन कोड वर्ल्ड में बोला था। चलो भैया होगा बोला होगा, पर मेरे सामने जब भी बोला, जब मेरे सामने बोला तो अच्छा बोला। अगर ये मुझे गालियां भी देगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने इसको गालियां देती हूँ ना, तो दे दे मुझे गालियां दे दे, मैं तो कह रही हूँ कोई दिक्कत नहीं है मुझे। पर जिन लोगों को इसने बहन की गाली दी, इतना गंदा ही गंदा बोला है ना, उन लोगों को लगता है कि ले भाई, मैं तो कहती हूँ कि कल मैं पैनल पे बैठकर अपने सबको दहाड़ूंगी, गंदी से गंदी गाली दूंगी, जो गाली आपने सुनी भी नहीं होगी। बाद में लास्ट में जब मैं खत्म करूंगी, ओहो आई एम सो सॉरी भाई, मैं दो हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, मैं गाली नहीं देना चाहती थी, जिसको बुरा लगा हो तो माफी करिएगा, बकवास खत्म। तो आप तो कह देना फिर कि हाँ भाई अगर उसने गाली दी तो माफी भी तो मांग ली उसने, कल मैं अपने पैनल से गालियां दूंगी सबको, खूब दूंगी, फिर बाद में ये भी है तो मैं माफी जरूर आप सबसे मांगूंगी। आस्था जी इस चीज के बारे में थोड़ा बताएं तो सही, आप गाली तो दोगे फिर आप माफी भी मांग लोगी, इसका वजह हाँ। क्या है? अरे भैया ऐसा सीधा जिनका बोला है तबीयत का बड़ा है सादा, वो वाला गाना याद आ गया मुझे। इसका वजह ये है कि हमें जिससे दुश्मनी, हमने दिल की भड़ास निकाल ली, ठीक, उसने भड़ास निकाल ली थी, और उसने एक बंदा कौन, संतोष यादव ये क्या चाहती है, संतोष यादव भाई तुम्हें पता ना ये क्या चाहती है, महिला इसको क्या चाहिए, दे दो तुम दे सकते हो, है ना। तो आज वो महिला बोल रही है कि सॉरी, तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माफी मांगने वाले ने मांगी, माफी देने वाले ने दी, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हमें पता है कि हम ईमानदारी से लड़े, जिसके लिए भी लड़े ईमानदारी से लड़े, दिल से लड़े, है ना। पर हमें नहीं पता था कि वो लोग गेम खेलते हैं, दिमाग से चलते हैं, हम दिल से चलते हैं भाई, हमें ये गेम वेम खेलनी नहीं आती, हमारे परमात्मा ने हमें सिखाया नहीं है गेम खेलना। बिल्कुल आस्थमा जी, आप दिल की बात, आस्थमा जी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप जो है ना दिल से सोचती हैं, लेकिन लोगों ने जो गेम खेला है ना वो दिमाग से खेला है। मतलब इतना गंदा वो महिला बोली थी, मतलब क्या, मतलब दिल करता था जाकर चांटे बजाऊं, चांटे पूंछ कटी कुतिया, बहन की गाली दी, रंडी बोला, और कितना गंदा बोला कि इसको जो चाहिए दे 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 दो आके, तुम्हें पता है। मतलब मेरा दिल कर रहा था कि इसके मुंह पर जाके 5-7 चांटे मारूं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे देश की मेरी बेटी को गाली देने की। आज हमें, आज वही हमारी बच्चे ही कह रहे हैं कि कोई बात नहीं उसने माफी मांग ली, ठीक है देखो भैया उसने माफी मांग ली, उन्होंने माफ कर दिया, इसमें मेरा कोई मैटर नहीं है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ठीक है, मेरा कोई मतलब नहीं है कि गाली निकालो उसके बाद बोल दो जी माफ कर दो, माफी दे दो हमें, माफ कर दो बस, बड़ा हमें किसी से। अच्छा, मेरी माँ, देखो हम भी आपको माँ का दर्जा देते हैं, आप हमारी भी माँ है, ठीक है। मैं आपसे एक सवाल छोटा सा पूछना चाहता हूँ, देखो माफी भी मांगी जाती है जिस टाइम पे आप गाली किसी को दे रहे हो, उसी 24 घंटे के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, जब 4 महीने गुजर जाते हैं फिर आप माफी मांगो, इस बात पे थोड़ा सा आप अपने दिमाग से सोचो इस पे। उसको लगा, मैं बताती हूँ उसको, देखो जो भी महिला है उसने उसके लिए कल परसों, देखो मैं तो किसी का लाइव देखती नहीं हूँ, मेरे पास कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भेज देता है तो बोल देता है कि मैंने बोल रखा कि अगर जरूरी हो तो भाई लिख दिया करो कि जरूरी, नहीं तो तुम दुनिया भर के लिंक भेजते हो, इतना समय नहीं होता कि मैं तुम्हारे लिंक चेक करूं किस किसने भेजा क्या क्या भेजा। मैंने ये सारे यूट्यूब के सभी लोगों को पता है कि आस्था मां कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं करती, बस मोजी भेज देती हूँ, हाथ जोड़ के बिना देखे मोजी भेज देती हूँ। तो मैंने, इसने मुझे, मतलब जैसे कल परसों मुझे पता लगा कि एक महिला ने सीमा के लिए बहुत अच्छे शब्द बोल दिए होंगे बेचारी बेचारी करके, तो बीच के जो लोग होते हैं वो कहते हैं अरे तुरंत तुरंत सॉरी बोल दो,
अब तो वो मतलब तुम्हारे लिए इमोशनली वो होता ना कार्ड खेलना, विक्टिम कार्ड खेलना, तो उसने उसको सॉरी बोल दिया कि लो अब तो ये मेरी तारीफ कर रही है, तुरंत सॉरी बोल लो तो काम बन जाएगा मेरा। तो भैया बहुत समझदार यहाँ पर लोग हैं, सब रोटी खाते हैं है ना, और लोग अपना अपना दिमाग यूज करते हैं। करे हमें तो इस बात का मजा आया कि मेरे पर उंगली उठाने वालों पर ना आज खुद परमात्मा ने कोई प्रमाण दे दिया कि रे भाई तूने मेरी बिल्कुल 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 कविता आत्मा पर उंगली उठाई थी ना, उन लोगों को जो है हिम्मत है मर्दा मदद है खुदा। बस 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 हमारे पर मुझे इजाजत दीजिएगा। बिल्कुल आसमा, हमने आपको रोते हुए देखा था, खासतौर पे वो बच्चे वाले सीन पर, फिर ये जो ये हरकत हुई थी हमने देखा भी था, उसके ऊपर आवाज भी उठाई थी पारुल के हवाले से, क्योंकि पारुल हमने तो मैं तो देखा एक मिनट प्लीज बात मुझे कम्प्लीट करने दिया करें, मैं जा रहा हूँ। मैंने देखा वो हमारी बहन है, हमने उसे देखा नहीं लेकिन उसको गाली दी थी, तो मैंने जितने ट्रॉल किया था उसको शायद किसी ने किया हो उसको, हम क्योंकि इस केस में चला हमें कुछ मिला नहीं मिला, लेकिन हमें अच्छे भाई बहन अच्छे रिश्ते मिल गए, ठीक है, शायद हमें इस केस की वजह से कुछ एक दूसरे को समझने का मौका मिला है। अपने जो बुराइयां हमने सुनी थी वो हमारे जो दिलों दिमाग में था वो हट गया है, अब अच्छाइयां हमें दिख रही हैं इस केस की वजह से, तो हम उसको पॉजिटिव लेके चलते हैं और आगे भी कोशिश करेंगे केस इंशाल्लाह हल हो जाए, तो हम ये जो रिश्ता है भाई बहन का, माँ बेटे का, बाप भाई, दोस्त बुजुर्ग, बच्चे दोस्त वगैरह जितने भी हैं, इसको हम कायम रखेंगे इंशाल्लाह, वादा करते हैं, और आगे भी ये करेंगे कि कोई किसी को कभी किसी से तकलीफ ना हो, प्लीज दूसरे के लिए पॉजिटिव रहें, एक दूसरे की इज्जत करें, बच्चों की, बड़ों की, सबकी, ठीक है। तो शायद भाई मुझे इजाजत दीजिएगा, आस्थामा आपके लिए बहुत सारा प्यार और दुआएं चाहिए आपसे, आपके लिए दुआएं, थैंक यू डी बलोच भाई, एवरीबॉडी आखिरी एक छोटा सा सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए हमने भी आवाज सवाल कितने करते हो बताओ, कितने सवाल करते हो? छोटा सा एक सवाल, एक छोटा सा, उस बहन के लिए हमने वीडियोस बनाए, भाई उसको गाली क्यों दी, ये मतलब वो चीजें तो गुजर गई हैं, ठीक है, हमारी जब यहाँ की बेटी को गाली पड़ती है वहां से, एक मिनट मुझे सिर्फ एक मिनट बोलने दीजिए, हमारी बेटी को या मेरी बहन को या मेरी आ, 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 एक औरत को गाली पड़ती है वहां से, तो वहां से किसी भी यूट्यूबर ने आवाज नहीं उठाया, हमने उस सिस्टर के लिए बहुत आवाज उठाई, शेरियार भाई ने वीडियो बनाया, मैंने बनाया, वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाके चेक कीजिए, क्योंकि मेरी बहन को यहाँ से वहां से गालियां पड़ गई। भैया मैंने आपको क्या कहा कि मैं किसी का भी अगर मैं देख लेती हूँ कि कोई लाइव है तो मैं हर हर महादेव लिखने आ जाती हूँ, मैं ना तो किसी के लाइव में बैठती हूँ, हर हर महादेव लिखा उसने तुरंत पढ़ लिया, कोई बात की तो रिप्लाई दे दिया, नहीं तो मैं 2 मिनट में वहां से निकल लेती हूँ, मुझे सिर्फ अपना नमस्ते बोलनी है और वहां से निकलना है, मैं किसी की लाइव सुनती नहीं हूँ, देखती नहीं हूँ, कोई मुझे बता दे, कोई मुझे मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेज दे या लिंक भेज दे, क्या था मैं जरूर देखना, तो मुझे लगता है कि कई जरूरी काम होगा तो और मैं देखती हूँ, मेरे को किसी का भैया मैं अब ये शायद भाई है, मैंने इनकी कभी भी कोई लाइव आज तक पूरी नहीं सुनी, ना मेरे पास इतना समय होता है कि मैं सबकी लाइव में जा जा कर देखूं, नहीं, अगर मुझे यूट्यूब खोला ऊपर कोई नजर आ गया कि लाइव है तो मैंने हर हर महादेव लिखा, उसके बाद नमस्ते, ठीक है, अब मैं निकलने वाली थी, आपने कहा ऊपर आ जाओ तो मैं वहां चली गई, अच्छी बात है, आपसे बात हुई, बहुत दिन हो गए थे आपसे बात नहीं हो पा रही थी। आस्थमा जी देखो, आपने कभी मेरी लाइव में या मेरी जुबान से किसी के खिलाफ गाली सुनी हो? खुदा की कसम ने कभी भी किसी अदार के खिलाफ बात नहीं की। आपका कौन सा चैनल है भैया? गाली दी हो आपका कौन सा चैनल है? वो ही लोग देते हैं, हम तो नहीं देते भाई। आपका चैनल कौन सा भैया? डी बलोच के नाम से, डी बलोच। अच्छा डी बलोच के नाम से, अरे मेरी बहन आप मेरा चैनल देखती हैं। अच्छा नहीं नहीं मुझे समझ नहीं आया। अच्छा देखो भैया, ये गाली गलोच नहीं बंद होगी, ये नहीं बंद होगी, क्योंकि लोगों की मानसिकता जो है ना वो यही है कि गाली दो और फेमस हो, गाली दो और फेमस हो, तो हम तो किसी को गाली ना देंगे, कोई हमें 50 दे, जो महिला भी दिलवा रही है दिलवाए, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, जितनी गालियां दिलवानी दिलवाए, अगर पाकिस्तान वाला कोई थंबनेल लगाता है, हिंदुस्तान वाला कोई गाली देता है,
वो सबने एक ही टारगेट पकड़ रखा है कि माता ने करवाया, माता ने करवाया, मेरी माँ कोई दिक्कत नहीं भी, पाकिस्तान के चैनल ने किसी भी किसने किसने आपकी थंबनेल लगाई है, आपको झूठी खबरें मिलती हैं आपके जानने वालों को। अरे भैया मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि अगर कोई गलत बोलता है ना किसी को तो उसका क्रेडिट आस्थामा को मिलता है, जब कोई अच्छा बोलता है तब नहीं मिलता, जब कोई बुरा बोलता है तो ये कहा जाता है आस्थामा ने करवाया, ये आस्थामा करवा रही है, तो आज भगवान ने उसका भी तुम्हें क्रेडिट दे दिया कि जो भी लोग बोल रहे हैं तुम बुलवा रही हो। मैं कह रही तुम बोलो, तुम्हें भगवान रिटर्न में देगा, तुम्हें अगर मैं गलत हूं तो मुझे देगा, तुम्हें देगा, तुम जो मेरे लिए सोचोगे जो बोलोगे तुम्हें उसका भुगतान करना ही पड़ेगा, हर हालत में करना पड़ेगा। तुमने हमें खरीदी हुई बेच बिक गई, सर्टिफिकेट पे सर्टिफिकेट हमें दे दिए भगवान ने, आजकल तुम्हें सर्टिफिकेट दे दिए, तुमने हमें क्रेडिट दे दिया कि हम गालियां पलवाते हैं, हम थंबनेल लगवाते हैं, फिर हम हटवाते हैं, तो ये मेरा मैं और मेरा परमात्मा जानता है, है ना, कि हमारे से कई बच्चे नाराज हो गए कि आस्थामा गाली नहीं देने देती, हमने पैनलों पर बैठ बैठ के कहा कि गाली गलोच मत करो, जो गाली गलोच कहेगा करेगा उसके पैनल पे नहीं आऊंगी, जो हंसी मजाक करेगा उसके पैनल पे 100 बार आऊंगी, फिर भी उसके बाद भी कहा गया अरे ये मुंह पे कुछ है बाहर कुछ है, तो परमात्मा ने तुम्हारे साथ वही गेम कर दी जो तुम मेरे साथ गेम करते थे, हमें कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ठाकुर सब सुनता है, परमात्मा सब सुनता है और सबको यहीं पे हिसाब देना पड़ता है।